वाकई जब केंद्र में सोनिया की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, और हम ये जानते थे कि हम धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कार्यकर्ता के नाते तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन वर्षों वर्ष उस क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्वयं सेवक होना संघ का अथवा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना मतलब मुसीबतों को सामने से आमंत्रण देना। फिर भी लोग डटे रहे और 19 में परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हम 14 में हारे, वी लॉस्ट बट वी डिडंट रन अवे, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड द कांग्रेस पार्टी। We accepted my defeat in Amethi with grace. We realized that people needed time to trust us. We put in that work for 5 years, not knowing whether I'll get a ticket, but we worked because we wanted people to believe in democracy and that democracy delivers. मुझे आज भी याद है, नरेंद्र भाई वहां आए तो उन्होंने कहा कि मैं आह्वान करता हूं, मैं बदले नहीं बदलाव की राजनीति करना चाहता हूं अमेठी में। 2019 के बाद आप सब आश्चर्य करेंगे अमेठी में क्या क्या पहली बार बना। आप सबको और जो लोग गुजरात से हैं विशेष, आपको तो आदत है कि अगर आप किसी जिले में जाएं तो जिले के मुख्यालय में कलेक्टर का ऑफिस होगा। अमेठी में कलेक्टर ऑफिस का शिलान्यास अमित शाह के हाथ हुआ और बना जब मोदी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बनी। इन 5 सालों में हमने 1,14,000 घर बनाए। हमारी आबादी 25 लाख की है लगभग। आप सोचें कि लगभग परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं तो अमेठी में लगभग 4,20,000 लोगों के पास 50 साल गांधी खानदान के राज के बाद भी अपना घर नहीं था। 4 लाख टॉयलेट्स बनाए विनोद। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं इसका मतलब 16 लाख लोगों के पास अमेठी में जो गांधी खानदान का गढ़ था, वहां कोई अलायंस नहीं थी, वहां पर 16 लाख लोगों के पास टॉयलेट नहीं था। 3.5 लाख पहली बार घरों में नल से जल अब अमेठी में आता है। इसका मतलब अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो लगभग 12 लाख लोगों के पास अमेठी में पीने के लिए घर पे नल से जल नहीं था। और ये कांग्रेस की रणनीति बताता है आपको कि गरीब को गरीब रखो ताकि वो कांग्रेस के नेताओं के सामने हमेशा हाथ फैलाकर खड़ा रहे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने आई हूं कि आपका एक एक वोट महत्व रखता है, क्योंकि ये संदेश है, संकेत है, दैट यू स्टैंड नॉट फॉर डायनेस्टी, यू स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। लेकिन आज विनोद प्रश्न आपको बहुत स्पष्ट पूछना है अपने सामने के प्रतिद्वंदी से, टू योर कंपेटिटर, यू हैव टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन। आस्क एनी बीजेपी कार्यकर्ता टुडे और एनी बीजेपी सपोर्टर, वी विल से वेरी प्राउडली हूज आर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। वी विल से वेरी प्राउडली दैट आर प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स विकसित भारत बाय 2047, that the Prime Minister of India, Narendra Modi, wants India to be the 3rd largest economy in the next 2-3 years. That is Modi's promise. Or Modi ne keh diya, to guarantee pura hone ki guarantee. Alliance se ye poochho, tumhara neta kaun? Alliance se ye poochho, tumhari neeti kya? नियत क्या है, ये सब जानते हैं। आई हैव बीन इन द साउथ ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 3 डेज कैंपेनिंग। यू वर राइट, आई वॉज इन वायनाड 2 डेज अगो, इन केरला यस्टरडे, आई वॉज इन कर्नाटका टूडे, आई एम इन तमिलनाडु, एंड आई वॉज वंडरिंग विनोज ऑल डे वेयर इज आनंद, आई सी हिम नाउ सिटिंग देयर। कारण के जारे पण हूँ चेन्नई आऊं, मैं मिठाई ना डब्बा आनंद भाई मुरुक्कु साथे लावे। सवार थी विचारती थी क्या छे, अबे देखा यार मारी तरह तमें गड़ा थई गया, पण कई वांदो नहीं।
तो डीएम के हो या फिर अलायंस पार्टनर, उनसे कहो नीता को और नीति क्या। बट वॉट इज हैपनिंग इन द इंडिया अलायंस इज फैसिनेटिंग। They say they are an alliance, an amalgamation of political organizations. But look at what the India Alliance is doing across the country. Punjab mein they are fighting. AAP and Congress party is fighting. In Bengal they are splitting. DD and Congress are going two ways. In Kerala they are begging, why are you fighting from Wayanad, they are saying. In Karnataka they are thugging. In Tamil Nadu, they are looting. In Delhi, they are hugging. So, Delhi mein hugging, Punjab mein fighting, Bengal mein splitting, Kerala mein begging, Karnataka mein thugging, Tamil Nadu mein looting. Can you work for such people? So, on your shoulders is a big responsibility. But we know that the Karyakarta of Bharatiya Janata Party